नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, गंगा स्नान से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है, लेकिन जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है। आइए कथा के माध्यम से हमें गंगा स्नान का वास्तविक फल किस प्रकार मिलता है ये जानते हैं। एक समय शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी हैं और पाप मुक्त नहीं हो रहे हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्या गंगा में पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? शिव जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया है? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की कोशिश करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देख कर कईयों के मन में पाप आया, कई लोक लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में स्नान करने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें क्यों संदेह हो रहा है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ? भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी पाप रहता है? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं या फिर यह सोचकर पाप करते हैं कि गंगा स्नान करके सारे पाप धुल लेंगे, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें।